हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आता है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि जो सार्वदेहिक संज्ञा हरण है, अगर हिंदी में आता है तो सार्वदेहिक संज्ञा हरण या फिर जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसका प्रोसीजर, ऐसे करके क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स के लिए। या फिर जो वो लोकल एनेस्थीसिया पूछते हैं, जैसे स्थानिक संज्ञा हरण के बारे में पूछते हैं, या फिर जो पूरा आपको यही आएगा कि संज्ञा हरण या फिर एनेस्थीसिया के बारे में बताइए। तो आपको चाहे लोकल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया है, तो आपको जो है वो स्टार्टिंग उसकी आयुर्वेद थोड़ा सा लिख के करनी है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया। तो आपको आयुर्वेद का क्या इसमें रेफरेंस देना है कि हमें, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कि जैसे पता है हमें कि सुश्रुत जो उनके टाइम में सर्जिकल प्रोसीजर जो वो ज्यादा होते थे, तो हर जगह मतलब कोई अलग ऐसे करके दिया तो नहीं है कि एनेस्थीसिया या संज्ञा हरण का कुछ अलग से टॉपिक दिया है, लेकिन कुछ रेफरेंस आते हैं कुछ सर्जरीज में। जैसे कि जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी हम शस्त्र कर्म कर रहे हैं तो उससे पहले चिकित्सक को जो है वो, जो रोगी है उसको अल्प भोजन, मतलब थोड़ा उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है वो लघु भोजन देके, और जो पेशेंट वेदना सहन नहीं कर सकता लेकिन वो क्या हुआ है मद पान का अभ्यासी है, मद का पान कर सकता है लेकिन वो वेदना सहन नहीं कर सकता, तो उसको तीक्ष्ण मद पिला देनी है। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति मूर्छित भी नहीं होगा और जो उसका जो वेदना है उसका भी ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस आया है। फिर आचार्य चरक ने क्या बोला है, जैसे शरीर स्थान में जहां पे बताया कि अगर गर्भशल्य है, मतलब अपरिपक्व गर्भ है, वो स्त्रवित हो जाता है या कैसे भी, तो जो स्त्री है उसमें गर्भाशय के शोधन के लिए, उसके मन को प्रसन्न करने के लिए, उसकी वेदनाओं को दूर करने के लिए, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार की सुरा मदिरा आसव अरिष्ट सिद्धु आदि का पान करने का विधान है। और जो चतुर्थ अध्याय है सूत्र स्थान का, उसमें वेदना स्थापन जो महाकषाय बताया है, तो वो भी एक तरह से संज्ञा हरण या एनेस्थीसिया के रूप में हम समझ सकते हैं। फिर जो आचार्य भाव प्रकाश है, इनको मैं ऐसे लिख रही हूँ भाव प्रकाश, आचार्य जो भाव प्रकाश, उन्होंने जो भंगा नामक द्रव्य को बोला है कि वो मोह और मद का निर्माण करने वाला होता है। ठीक है, फिर जो आचार्य वाग्वट हैं, उन्होंने मातुलंग जो स्वरस है और मधु का जो वो आई ऑपरेशन, जो भी आई के लिए प्रोसीजर करते हैं सर्जिकल, उनमें प्रयोग करने को बोला है। और जो पुराने टाइम में जो मंत्र वगैरह होते थे हिप्नोटिक्स, वो के लिए मतलब संज्ञा हरण का ही एक वो था कि पेशेंट को वेदना का एहसास ना हो उसकी। ठीक है, वेदना को कम करने के लिए उसकी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं मॉडर्न में। पहला हम पढ़ते हैं इसका जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन करना है हमें, लॉस ऑफ सेंसेशन या लॉस ऑफ पेन जो है वो एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया हमारा दो तरीके का होता है, एक तो लोकल एनेस्थीसिया, एक जनरल एनेस्थीसिया। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लोकल मतलब अगर हमें किसी एक डिजायर्ड पार्ट में सर्जरी करनी है, अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, तो उसके लिए जब हम सेंसेशन को लॉस कराते हैं दैट इज लोकल। और जनरल पूरी बॉडी का ही हमें लॉस ऑफ सेंसेशन चाहिए, तो उसके लिए होता है जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया में हम पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। सो व्हाट इज जनरल एनेस्थीसिया, इट इज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी एंड कॉन्शियसनेस इज नॉन एज जनरल एनेस्थीसिया। पूरी बॉडी की सेंसेशन और जो कॉन्शियसनेस है उसका लॉस कराना दैट इज एनेस्थीसिया, रिवर्सिबल लॉस है। मतलब पेशेंट कुछ टाइम के लिए लॉस ऑफ सेंसेशन होगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जनरल जो एनेस्थीसिया उसके कार्डिनल फीचर्स क्या होते हैं, कार्डिनल फीचर्स हैं ये। फर्स्ट इज लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन, सारी सेंसेशन का लॉस होगा। सेकेंड इज पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा। ठीक है, थर्ड इज मसल पूरी रिलैक्सेशन होगी एंड फोर्थ इज एबोल्यूशन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्सेस। तो ये फोर कार्डिनल फीचर्स के बाद हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स।
जो जनरल एनेस्थीसिया वो हम किस फॉर्म में देते हैं, फर्स्ट इज इनहेलेशन एनेस्थीसिया, इनहेलेशन की फॉर्म में देते हैं, सेकंड इज इंट्रावीनस देते हैं और नेक्स्ट इज रेक्टल। ये अनकॉमन है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, तो ये दो ही है मेन, तो इनहेलेशन और इंट्रावीनसली देते हैं इसको। फिर आगे है इसका प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर एनेस्थीसिया अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके भी प्री प्रोसीजर्स, मेन प्रोसीजर और बाद में क्या करना है पेशेंट में, वो सब होता है। जब एनेस्थीसिया दे रहे हैं उससे पहले पेशेंट की अच्छे से एग्जामिनेशन करनी होती है, दैट इज पेशेंट की पहले हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, क्योंकि उसको कोई जब सीवीएस या सीएनएस सिस्टम की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जीआई सिस्टम की कोई डिजीज तो नहीं है। जैसे कि अगर अस्थमा है पेशेंट को तो आप इनहेलेशन एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, एंड जीआई सिस्टम में अगर जीआरडी है मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज है, वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट को जैसे भी खाता है, कुछ कुछ भी जीआरडी है तो भी उसमें प्रॉब्लम आती है पेशेंट में। सीवीएस में जैसे हाइपरटेंशन है अगर पेशेंट को, एंजाइना है, तो उनके लिए हमें कुछ अलग ऑप्शन देखने पड़ते हैं। तो पेशेंट की पहले थोरोली हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कोई उसको जो है वो जनरली कोई डिजीज तो है नहीं। सेकंड, हमें उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का साइनोसिस, बिल्ट, हार्ट रेट, हार्ट साउंड, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है, ठीक है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हो गया। फिर उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में जैसे एचबी देखा पेशेंट का, यूरिन कल्चर करा लिया, ब्लड ग्रुपिंग, एलएफटी कराया, बीटी कराया, सीटी कराया, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, बीटी, सीटी, ये सब क्यों कराने हैं, ताकि अगर जैसे एनेस्थीसिया दे रखा है पेशेंट को या सर्जरी चल रही है, अगर उसमें ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा होती है तो हमें पता होता है, ब्लड ग्रुपिंग करा के देखते हैं पेशेंट का, तो ब्लड की सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी वगैरह। फिर आता है जब हमें पूरी तरीके से पता चल गया कि ये पेशेंट फिट है, हिस्ट्री भी ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब जो है वो इससे पेशेंट हमें पता चला कि फिट है एनेस्थीसिया के लिए, हम उसे एनेस्थीसिया दे सकते हैं, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, प्रिपरेशन में क्या है, पेशेंट को नील बाय माउथ रखना है, ठीक है, पहले उसको सॉरी कंसेंट लेते हैं पेशेंट से सबसे पहले, देन उसे नील बाय माउथ रखना है कम से कम 4 से 6 घंटे पहले तो सर्जरी के, बिल्कुल ही नील बाय माउथ रखना है। फिर उसको जैसे अगर एनेस्थीसिया देना है तो उससे पहले प्री मेडिकेशन चलती हैं, जैसे डाइजीपाम का इंजेक्शन हम टैबलेट देते हैं पेशेंट को एक रात पहले, जैसे अभी पता है कल उसकी सर्जरी होनी है तो एक रात पहले उसको डाइजीपाम है टैबलेट वो देनी है, इंजेक्शन है ट्रॉपिन देना है, या फिर बिफोर, जस्ट बिफोर सर्जरी भी उसको डाइजीपाम का इंजेक्शन देते हैं हम, ठीक है। फिर हमारा जो ये सब हमने प्रिपरेशन किया पेशेंट की, लेकिन फिर हमारा मेन प्रोसीजर आता है, यानी एनेस्थीसिया हम दे रहे हैं अब पेशेंट को। तो जनरल एनेस्थीसिया देते हुए हमारे पास दो पॉइंट है कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया दे रहे हैं या आईवी एनेस्थीसिया दे रहे हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया में जो जनरल एनेस्थेटिक है, जो जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है, वो हम गैसियस फॉर्म में देते हैं। इनहेलेशन मतलब पेशेंट इनहेल करेगा उसको, तो गैसियस फॉर्म में देते हैं वो, और विद द स्पेशल एपरेटस कॉल्ड बॉयल सेपरेटस। इसके थ्रू हम जो भी गैसियस हमारा एनेस्थेटिक एजेंट है वो पेशेंट तक पहुंचाते हैं। आईवी में क्या है, इंट्रावीनसली, यानी इंट्रावीनसली जो एनेस्थेटिक ड्रग है वो पेशेंट को देनी है। अब हमें पता होनी चाहिए कि ड्रग्स कौन सी दे रहे हैं हम, ठीक है। ड्रग्स में जैसे अगर इनहेलेशन के लिए दे रहे हैं तो गैसियस फॉर्म में होगी ऑब्वियसली, या फिर लिक्विड फॉर्म में, तो गैसियस में क्या होगा, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, या फिर लिक्विड फॉर्म में इथर हो गया, हेलोथेन्स हो गया, ये हमारे कहें जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। आईवी में क्या देते हैं, जैसे किटामाइन हो गया, थायोपेंटोन सोडियम हो गया, प्रोपोफोल हो गया, ये सारी हो गई आईवी ड्रग्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेजेस में क्या है, आपको कैसे याद रखनी है, ए ई एस आर,
ये सिर्फ याद करने के लिए, अगर आप स्टेजेस एग्जाम में लिखते हो, एग्जाम में अगर आप लिखते हो तो इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। ए ये ESR है, एनेस्थीसिया में हम पढ़ रहे हैं तो ए फॉर एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया में ESR, ये इसकी स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज स्टेज ऑफ एनल्जेसिया, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, थर्ड स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, एंड लास्ट वन इज स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी कोलैप्स, ठीक है। तो आपको जैसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो 15 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसमें ये अलग से पूरा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने को तो अगर आप इन स्टेजेस को भी पढ़ने लगो तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ कि स्टेजेस में जैसे ये चार स्टेजेस हैं, फर्स्ट इज स्टेज ऑफ एनल्जेसिया, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, एनल्जेसिया मतलब पेन की जो सेंसेशन है वो लॉस होने लगेगी, कम्प्लीटली लॉस नहीं होगी लेकिन पेशेंट की थोड़ी थोड़ी बहुत जो है वो पेन की सेंसेशन कम होने लगेगी। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, इसमें क्या होता है जो हायर सेंटर्स होते हैं ना वो थोड़े एबोलिश होने लगते हैं, कम इफेक्ट होने लगता है उनका, और जो लोअर सेंटर है वो थोड़े एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मूवमेंट करता है या कुछ बोलता है, कई बार टेबल से भी उठ जाता है, दैट इज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। एंड थर्ड इज सर्जिकल एनेस्थेटिक स्टेज जो है, ये मेन स्टेज है जिसमें जो डॉक्टर है उसको सर्जरी परफॉर्म करनी है सर्जिकल एनेस्थीसिया में, फिर इसकी भी आगे स्टेजेस होती हैं, तो वो इतना डीपली करने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें पेशेंट के जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं और सारे सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, जो GI सेक्रीशंस है वो बिल्कुल नहीं होती, सब मतलब पढ़ने को बहुत सारा है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारी जो लास्ट स्टेज है, अगर पेशेंट इसमें चला गया यानी स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी कोलैप्स, तो वो फिर इरिवर्सिबल वो हो जाता है कि पेशेंट फिर ठीक होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, एज अ कॉम्प्लिकेशन है ये वाली स्टेज, ठीक है। तो इसकी स्टेजेस भी लिख सकते हो आप 15 मार्क्स में, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, कि इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होना स्टार्ट होती है, इसमें लोअर सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं, ये मेन स्टेजेस है, ये मेन स्टेज है जिसमें सर्जरी परफॉर्म करनी है, और ये जो एज अ कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट होगी, और ये मैंने आपको हिंट के तौर पर किया ताकि आपको याद रहे, ये एग्जाम में मत लिख के आना इसको, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट ऐसे लिख के आना, ठीक है। तो ये होगी स्टेजेस। अब आपने एनेस्थीसिया दे दिया तो ऐसा नहीं है कि एनेस्थीसिया देने के बाद उसको देना नहीं है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करनी है, पहले एयरवे को मेंटेन करना है, जैसे ही आप जनरल एनेस्थीसिया दोगे तो आपने इसका कार्डिनल फीचर क्या पढ़ा है कि सारी सेंसेशन लॉस हो रही है, मसल भी रिलैक्स हो रही है पेशेंट की, तो जो मसल रिलैक्स होंगी तो जो एयरवे को मेंटेन करती हैं, एयरवे को हमारे पेटेंट रखती हैं, खुला रखती हैं, वो मसल भी रिलैक्स हो जाएंगी, वो रिलैक्स हो जाएंगी तो जो रेस्पिरेटरी जो भी एयरवे है वो पूरा रिलैक्स होने की वजह से बंद हो जाएगा। तो इस एयरवे को हमें मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, लेरिंजियल मास्क या फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं पेशेंट का, तो एयरवे को मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज पेशेंट में हीमोस्टेसिस को मेंटेन करना है, सर्जरी अगर हम कर रहे हैं तो ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, BP पेशेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये मेंटेन करके रखना, टेम्परेचर है, हाइपोथर्मिया में ना चला जाए पेशेंट, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है। देन हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, जैसे इनहेलेशन अगर एनेस्थीसिया अगर किसी को दे रहे हैं तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें, जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और एक्सेसिव स्क्रीशन या सलाइवेशन हो सकता है पेशेंट में, सेरिब्रल एनोक्सिया भी हो सकता है। फिर आता है IV एनेस्थीसिया की क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसमें भी रेस्पिरेटरी फेलियर है, हेलुसिनेशन हो सकते हैं पेशेंट को, डेलीरियम या फिर CVS डिप्रेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जर्नल एनेस्थीसिया, ठीक है। अगर आपको 15 मार्क्स के लिए आता है कि सार्वदेहिक संज्ञा हरण का वर्णन करना है, बताना है उसके बारे में, तो आप थोड़ा सा पहले आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन दोगे कि आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, चरक ने यहाँ पे, और थोड़ा ये
मतलब थोड़ा सा बता के फिर आप मॉडर्न वाला शुरू करोगे, उसकी डेफिनेशन, उसके जो कार्डिनल फीचर्स, उसके जो है वो मेन टाइप्स क्या होते हैं, प्रोसीजर कैसे है, यानी प्री प्रोसीजर क्या वो है, एग्जामिनेशन हिस्ट्री वगैरह ये सब। फिर मेन प्रोसीजर आपने एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद स्टेजेस के नाम लिख सकते हो, उसकी ड्रग्स बतानी है अलग से, एंड लास्ट में मैनेजमेंट करके कॉम्प्लिकेशन बताना, ठीक है? तो ये हो गया हमारा जनरल एनेस्थीसिया फॉर 15 मार्क्स। थैंक यू।